कुछ पुरातात्विक खोजे जिन्होंने वैज्ञानिकों को कर रखा है हैरान। विश्व में हर साल बहुत सी पुरातात्विक खोजे की जाती है। इन खोजों से हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खोजे हो जाती है जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते, जैसे कि सहारा के सुदूर रेगिस्तान में बना पत्थरों का ढांचा, या फिर कुछ ऐसी खोजे हो जाती है जो वैज्ञानिकों को परेशान कर देती है, जैसे कि नवाड़ा में मिला विशाल इंसानी जबड़ा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्य के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी पुरातत्विक खोज के बारे में। शुद्ध लोहे से बना करोड़ों साल पुराना हथौड़ा। इस धरती पर अब तक हुई पुरातत्विक खोजों में इस खोज ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान किया है। अमेरिका में सन 1934 में 140 मिलियन साल पुरानी लाइमस्टोन की चट्टानों में एक लोहे का हथौड़ा मिला। जब वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया तो वो दो कारणों से हैरान रह गए। पहला कि हथौड़े में लगा हुआ लकड़ी का हैंडल अंदर से कोयला बन चुका था, यानी कि वो कई मिलियन साल पुरानी थी। दूसरा हैरान करने वाला कारण लोहे की एकदम शुद्ध अवस्था थी। इतना शुद्ध लोहा धरती के किसी भी खदान से आज तक नहीं निकला है। लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से चलता है कि 1934 में उसे चट्टान से निकालते वक्त खरोच लगी थी, पर इतने सालों बाद आज भी उस पर जंग का कोई निशान नहीं है। वैज्ञानिक इस हथौड़े का अनुमानित समय 145 से 60 मिलियन साल पूर्व मानते हैं, यानी कि करोड़ों साल पूर्व, जबकि मानव जाति ने 10,000 साल पहले ही इस तरह का औजार बनाना सीखा है। सहारा रेगिस्तान में पत्थरों से बना खगोलीय ढांचा। सहारा के सुदूर रेगिस्तान में स्थित पत्थरों का यह ढांचा दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक है। 1973 में पुरातत्व शास्त्री पहली बार यहाँ पहुंचे थे। 1998 में प्रोफेसर फेड बेंडॉर्फ की टीम ने पत्थरों के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया तो पता चला कि ये करीब 6000 साल ईसा पूर्व में बनाया गया है। नबता प्लाया में मिले पत्थर के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने से पता चला कि ये खगोलीय शास्त्र और ज्योतिष संबंधित थे। अब सवाल ये है कि इतनी सहस्र शताब्दियों पहले उन लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था, तब वे इसका इस्तेमाल किस तरह करते थे, आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। चीनी मोज़ेक लाइंस। ये अजीबोगरीब लकीरें 40 डिग्री 27 मिनट 28 सेकंड उत्तर व 93 डिग्री 23 मिनट 24 सेकंड पूर्व दिशा में देखी गई है। इस विचित्र कीर्ति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन चीन के गानू सेंग के रेगिस्तान में ये लकीरें बनी हुई है। अंग्रेजी में इसे चीनी मोज़ेक लाइंस कहा जाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2004 में इन लकीरों को खींचा गया था। सबसे अहम बात तो यह है कि ये लकीरें मगाओ की गुफा के आसपास बनाई गई है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा प्राप्त है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि चट्टान के उबड़ खाबड़ होने के बाद भी लंबे अरसे से ये लकीरें बिल्कुल सीधी है। पत्थर की गुड़िया। 1889 में इदाहो के नम्पम में अचानक वैज्ञानिकों की रुझान बढ़ गई। वजह थी खुदाई के दौरान मिली पत्थर की एक गुड़िया। इसे मानव हाथों द्वारा बनाया गया है। पत्थर की ये गुड़िया 320 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे देख तब अंदाजा लगाया गया कि दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद शायद इस गुड़िया को बनाया गया होगा। हालांकि पर्दों के पीछे की सच्चाई क्या है, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। 300 मिलियन साल पुराना लोहे का बैच। 1998 में रूसी वैज्ञानिक दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्का के अवशेष की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्थर का एक टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का पैच संलग्न था। वो वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पत्थर 300 मिलियन यानी के 30 करोड़ साल पुराना है। तब ना तो कोई प्रबुद्ध प्रजाति हुआ करती थी और ना ही धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। पत्थर के बीच लोहे का ये पैच साफ दिखाई पड़ता है। उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर है। प्राचीन रॉकेट जहाज जापान। ये प्राचीन रॉकेट नुमा जहाज जापान की एक गुफा में बनी प्राचीन पेंटिंग है। बताया जाता है कि यह पेंटिंग 5000 ईसा पूर्व की है। खोजकर्ताओं के जहन में यह सवाल अब भी है
कि क्या प्राचीन काल में इस तरह का कोई विमान था? अगर नहीं तो फिर ये क्या सोचकर बनाया गया होगा? खिसकते पत्थर, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी अबूझ पहली बनी हुई है। रेस ट्रैक प्लाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूर्व से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से भी अधिक पत्थर हैं। हालांकि किसी ने उन्हें आंखों से खिसकते तो नहीं देखा, लेकिन सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज्यादा दूर तक खिसकते मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण कर उस पर 7 साल अध्ययन किया। कैरिन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का एक पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने कैरिन को 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का ये मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है। पिरामिड द पावर, मेक्सिको। इस प्राचीन मेक्सिकन शहर की दीवारें अभ्रक की बड़ी चादरों से बनी है। अभ्रक खदान के निकटतम जगह की बात करें तो वो ब्राजील में है, लेकिन ये खदान शहर से हजारों मील की दूरी पर है। अभ्रक का इस्तेमाल प्रौद्योगिकी व ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि उन इमारतों को बनाने के लिए बिल्डर ने अभ्रक जैसे खनिज का इस्तेमाल क्यों किया होगा? क्या आर्किटेक्ट शहर में बिजली के लिए स्रोत का दोहन कर रहे थे? ये भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। विशाल जीवाश्म, आयरलैंड। इस विशाल आयरिश जीवाश्म की लंबाई 12 फीट से भी ज्यादा है। इसकी खोज आयरलैंड के अंतरिम में खुदाई के दौरान हुई थी। इसकी तस्वीर द ब्रिटिश टेन मैगजीन ऑफ दिसंबर 1895 में आई थी। मैगजीन के मुताबिक जीवाश्म की लंबाई 12 फीट 2 इंच, सीने की परिधि 6 फीट 6 इंच, बाजुओं की लंबाई 4 फीट 6 इंच है। इसके अलावा दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं। पिरामिड ऑफ अटलांटिस, यूकेटन खाड़ी, क्यूबा। क्यूबा के निकट तथाकथित यूकेटन खाड़ी में वैज्ञानिकों द्वारा मेगालिथ के खंडर के रहस्य का पता लगाने का सिलसिला जारी है। इस खोज में वे तटीय क्षेत्र का मीली लंबा सफर तय कर चुके हैं। जिन अमरीकी पुरातत्वविदों ने इस जगह की खोज की, उन्होंने फौरन एक घोषणा कर कहा कि उन्होंने अटलांटिस ढूंढ निकाला है। अब ये स्कूबा डाइवर्स के लिए सबसे पसंदीदा जगह में से एक है। भीमकाय इंसानी जबड़ा, नेवाडा, अमेरिका। ऐसा कहा जाता है कि नेवाडा में लाल बाल वाले 12 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। ये कहानी अमरीकियों द्वारा एक गुफा में भीमकाय लोगों की हत्या से जुड़ी है। 1911 में खुदाई के दौरान ये मानव जबड़ा मिला। तस्वीर में सामान्य वो भीमकाय जबड़े को एक साथ तुलना करने पर पता चलता है कि ये जबड़ा कितना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा 1931 में 2 मानव कंकाल भी मिले थे जिनकी लंबाई 8 व 10 फीट थी। एल्यूमिनियम कील, रोमानिया। 1974 में तानसेल्वेनिया की मूर्स नदी में 20,000 साल पुरानी मेष्टदन की हड्डियों के साथ एक एल्यूमिनियम का कील मिला। इस कील पर ऑक्साइड की 1 मिलीमीटर मोटी परत चढ़ी हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक कील 300 से 400 साल पुरानी है। गौरतलब है कि एल्यूमिनियम हमेशा अन्य धातुओं के साथ मिश्रित पाया जाता है, लेकिन 400 साल पुरानी यह कील विशुद्ध एल्यूमिनियम की बनी हुई है। वैज्ञानिकों के बीच अबूझ पहली ये है कि 1808 के पहले एल्यूमिनियम की खोज ही नहीं हुई थी। ऐसे में 400 साल पहले विशुद्ध एल्यूमिनियम कैसे पाया जा सकता है? लोलाटा प्लेट, नेपाल। नेपाल में 12,000 साल पहले पत्थर से बनी थाली का प्रचलन था। हालांकि इस थाली को देख यूएफओ की झलक दिखाई देती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि थाली में एलियन नुमा आकृति बनी हुई है। ये भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य में शामिल है। तो दोस्तों, आज आपने जाना दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए केवल टीवी को और अभी दबाइए इस घंटे को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और रोमांचक जानकारी के साथ।